हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार मिलने आए हैं दिलीप जी से। दिलीप जी जो छात्र हित को लेकर हमेशा आंदोलन करते रहते हैं और लोगों के बीच में जाते रहते हैं और हर दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, शायद ही कोई ऐसा मार्ग है इन्होंने जो नहीं अपनाया हो, संवैधानिक मार्ग छात्र हित के लिए। इन्होंने आंदोलन भी किया, आयोग भी गए, सब कुछ किया, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले, शायद हफ्ता दिन या 10 दिन पहले ये आयोग भी गए थे अपने पूरे मंडली के साथ और इन्होंने सारा साक्ष्य आवेदन जितना भी चीज़ है सारा दिया, लेकिन आयोग से कोई भी अभी तक इनको कोई भी सूचना या कोई भी रिजल्ट मिला नहीं, कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ मिला नहीं। तो अब आगे का ये लोग कुछ अलग रणनीति बना रहे हैं, शायद ये कोर्ट का न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं कि आगे इन लोगों की क्या रणनीति है और स्टूडेंट इनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। तो दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम से। तो आयोग तो अभी तक आपको कोई चिट्ठी भेजा नहीं, नहीं भेजा नहीं, तो आगे की क्या रणनीति, आप कैसे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि आयोग की तरफ से कुछ जवाब आवे, कोई जांच कमेटी बिठाए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। तो अब हम लोग विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं से भी मिले, उन लोगों ने भी हमारे मुद्दे को नहीं उठाया, न किसी तरह का साथ दिया। तो अब हम लोग कोर्ट जाने का सोच रहे हैं, पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो उसमें जो पिटिशनर बनना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें 9708201415 को, और जितना ज़्यादा लोग पिटिशनर बनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी तक बहुत कम लोग इसके लिए तैयार हुए हैं। अगर ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो फिर हम भी कोर्ट नहीं जा पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा लोग पिटिशनर नहीं बनेंगे, कम से कम 100 लोग भी अगर पिटिशनर नहीं बनते हैं तो फिर कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई 2-4-10 लोग तो पैसा वहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा और उसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होगा, तो कोई 10-20 लोग से संभव नहीं हो पाएगा इतना पैसा का वहन करना। तो अगर सभी लोग सपोर्ट करेंगे तभी कोर्ट जा पाएंगे। हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ पिटिशनर बनने के चलते रुके हुए हैं कि 100 लोग कम से कम पिटिशनर बन जाए, उसके बाद ही हम कोर्ट जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो फिर हम लोग जनहित याचिका दायर करेंगे, तो जनहित याचिका दायर करेंगे अब जो हो कोर्ट में। और हम तो पहले भी बोले थे, आज ही बोल रहे हैं कि हम कोर्ट जाने के पक्ष में पहले भी नहीं थे और आंदोलन से ही चाहते थे कि CBI जाँच हो, लेकिन अभी कोरोना के चलते आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम लोग को कोर्ट जाना पड़ रहा है। चूँकि 23 अगस्त को इन्होंने एग्ज़ाम लेने की तैयारी अंदर अंदर शुरू कर दी है, तो इसी वजह से हम लोग अब कोर्ट जाने की तैयारी कर लिए हैं कि कोर्ट जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, और हम लोग का आंदोलन जो है सोशल साइट और इसे जारी रहेगा, हम लोग कोर्ट भी चले जाएंगे तो भी जारी रहेगा। हम लोग बैनर पोस्टर के माध्यम से हर एक ज़िले में CBI जाँच की मांग करते रहेंगे, अब इधर कोर्ट भी जाएंगे और बैनर पोस्टर के माध्यम से हर एक ज़िले में बैनर पोस्टर लगाया जाएगा CBI जांच की मांग को लेकर। क्योंकि हम लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, हम लोग का आंदोलन है बिहार से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको मिटाने के लिए किया गया था शुरू। ये सिर्फ दरोगा आंदोलन से मतलब नहीं है, बहुत लोग समझ रहे होंगे कि दरोगा के लिए हो रहा, नहीं, दरोगा आंदोलन से शुरुआत हुई है और इस आंदोलन का मतलब ही है, इस आंदोलन का उद्देश्य है बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से धांधली को मिटाना, और उसके लिए हम लोग आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। दरोगा को लेकर हम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन सड़क पे भी और पोस्टर के माध्यम से भी हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो दिलीप जी ने बताया कि अभी बहुत ही कम छात्र जुटे हैं जो केस करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत स्टूडेंट जो हैं वो नेट पे खूब लिखते हैं, कमेंट में खूब लिखते हैं केस कीजिए दिलीप भैया जी और ये सारा, लेकिन ऐन वक्त पे आते नहीं हैं। तो सभी स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा कि वो कम से कम ज़रूर जुड़े आएँ, और जो नहीं आ सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन पिटीशन और ऑनलाइन भी ये होता है, तो उसका भी आप लोग कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं क्या? क्योंकि हमारे जो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो दिल्ली में रहते हैं, कोई कलकत्ता में रहते हैं तैयारी कर रहे हैं, या कोई कोई जॉब में ही हैं वो बिहार सरकार की जॉब में आना चाहते हैं, तो वो आपको सहयोग करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? तो मुझे संपर्क करें, मोबाइल पर फ़ोन करें, फिर उनको बता दिया जाएगा। 9708201415 पे संपर्क करें, फ़ोन करें, उनको हम बता देंगे कैसे हेल्प करेंगे वो बता देंगे। और आपका एक फेसबुक ग्रुप है, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो आपके साथ जुड़ें और आपके साथ अपना योगदान। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, इंग्लिश में नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम है जो फेसबुक ग्रुप है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हम लोग स्टूडेंट से जुड़े हर मुद्दे को उस पर उठा सके और लड़ाई लड़ सके। तो ये थे दिलीप जी, इन्होंने बताया कि आज ये आए थे गांधी मैदान, लेकिन बहुत ही कम छात्र आ पाए। मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी आंदोलन को सपोर्ट करना चाहते हैं दिलीप जी से कंप्लीट कांटेक्ट में आए और जो भी है प्लान ऑफ एक्शन उसमें अपनी भागीदारी दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।